What's up guys? Welcome to my another vlog. और अभी हम पीछे पहाड़गंज की गलियों में घूम रहे हैं और मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ एक ट्रेन राइड पे. बहुत ही स्पेशल ट्रेन है. ट्रेन का नाम है न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस. स्पेशल ट्रेन इसलिए है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल दिल्ली को कनेक्ट करती है हिमाचल की कैपिटल शिमला के साथ. मैं से अगर कोई सोच रहा है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में तो ब्रॉड गेज ट्रेन चलती नहीं, तो ये ट्रेन जो न्यू दिल्ली से अभी 7:30 चलेगी, चंडीगढ़ पहुंचेगी अराउंड 11 o'clock और कालका पहुंचेगी 11:45 पे. तो कालका स्टेशन पे एक नैरो गॉज ट्रेन इसका वेट कर रही होगी. उसका नाम है कालका टू शिमला हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस. तो वो ट्रेन ये न्यू दिल्ली कालका शताब्दी के पैसेंजर्स को शिमला लेके जाएगी. तो अगर आप दिल्ली में हैं और आप शिमला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. दिल्ली का सबर्बन एरिया क्रॉस करेंगे हम, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला जंक्शन क्रॉस करेंगे. विंडो व्यू आपको ट्रेन से दिखाऊंगा मैं. आई होप यू विल लाइक दिस जर्नी. मिलते हैं ट्रेन में. दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस हमारा वेट कर रही है. और जब आप स्टेशन पे आओ तो एक बार प्लेटफॉर्म ज़रूर कंफर्म कर लेना क्योंकि सेम टाइम पे न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी भी चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से. तो जितने भी शताब्दी से उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सुबह सुबह लगा देते हैं. तो प्लेटफॉर्म कंफर्म करने के बाद ही आप स्टेशन एंटर करना. हमारा C3 कोच है और ये अभी C11 कोच चल रहा है. एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रेन जर्नी के लिए क्योंकि 5 साल मैंने इन्हीं ट्रेन्स में न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू दिल्ली अप डाउन बहुत ट्रैवल किया है. एवरी वीकेंड ट्रैवल किया है. तो आज अराउंड 1.5 ईयर के बाद मैं फिर इस ट्रेन को बोर्ड कर रहा हूँ उसी स्टेशन से जहाँ मैं एवरी फ्राइडे पिछले 5 साल से ट्रेन लिया करता था. बहुत मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही हैं.
130 किलोमीटर पर आर के स्पीड से ट्रेन निकली है। एक और मैं चीज़ बता दूँ जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, कि जितने भी प्रीमियम ट्रेन्स हैं इस रूट पे, शताब्दी, राजधानी, किसी में भी केटरिंग सर्विस रिज्यूम नहीं हुई है, तो आपके टिकट के प्राइस में केटरिंग सर्विस इंक्लूड नहीं होगी। आपको पेड सर्विसेज ज़रूर मिलेंगी, आपको टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अवेलेबल होगा, लेकिन पेड है। अभी किन्नौर के रेलवे स्टेशन से ट्रेन क्रॉस हो रही है, स्पीड स्लो कर दी गई है, मे बी आगे कोई ट्रेन है जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहा। पानीपत रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं टाइम से 5 मिनट पहले, तो अब ट्रेन यहाँ पे, वैसे तो 2 मिनट्स का हॉल्ट था लेकिन अब 5 मिनट्स का हॉल्ट लेगी क्योंकि टाइम 8:55 का यहाँ से डिपार्ट होने का।
पहुंच चुके हैं हम कुरुक्षेत्र बिल्कुल राइट टाइम पे, और यहाँ 2 मिनट्स का हॉल्ट है और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है अंबाला कैंट और फिर हमारा स्टॉप चंडीगढ़। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टाउन है कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत का युद्ध इसी धरती पे हुआ था। तो यहाँ पे एक मंदिर है, उसके बाद कृष्ण जी से रिलेटेड एक म्यूज़ियम भी है कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला प्लानिटोरियम है, और उसके बाद एक ज़ू भी है। तो हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन ने विसल कर दिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप अंबाला पे। अम्बाला कैंट 10:30 का अराइवल है ट्रेन का, बट अभी 10 बजे हैं।
तो हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं अपने राइट टाइम पे 11 AM। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।